हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इंस्टॉल करूंगा रेडमी नोट 8 में जो नया अपडेट आया है, उसको हम मैन्युअली इस फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, जो पिछली बार अपडेट आया था, उस अपडेट को करने के बाद हमारे फ़ोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आने लगी है। आइए चलिए करते हैं इसको इंस्टॉल और देखते हैं हमारे जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व होती है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ फ़ोन चेक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो है रेडमी नोट 8 है, MIUI 12 है 0.1 और इसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल दे सकते हैं 2020 1 अक्टूबर। और चलिए देख लेते हैं हमें जो इसमें जो अपडेट मिला है उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऑप्टिमाइज अपडेट एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जनवरी 2021 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। और यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑप्टिमाइज कंट्रोल सेंटर लेआउट इन लैंडस्केप मोड। और देखेंगे दोस्तों, करेंगे इसको मैन्युअली इंस्टॉल और जानेंगे हमारी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है कि नहीं। मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करना है। इसमें जो अपडेट आया था हमने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है फाइल मैनेजर में, जिसका कि 2 GB के आसपास साइज है। यहाँ पे हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ अपडेट का पैकेज का ऑप्शन शो होने लगेगा। अगर आपके फ़ोन में ये शो नहीं होता है तो यहाँ MIUI 12 पे हमें 2 से 3 बार टैप करना है और ये हमारा यहाँ पे चूज़ अपडेट पैकेज का ऑप्शन शो होने लगेगा और यहाँ पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों, हमें उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना जहाँ पर हमने ये फाइल डाउनलोड करके रखी है। हमने इसमें डाउनलोड मैनेजर में ये फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है। यहाँ देख सकते हैं ये हमने फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है। इस पर टैप करेंगे और यहाँ ओके पर प्रेस करेंगे और ये देख सकते हैं रिट्राई इन्फॉर्मेशन। और ये देख जो है हमारी फ़ाइल वेरीफाई होने लगी है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो है रीबूट का ऑप्शन आने लगा है, जो कि इससे ये पता लगता है हमारे जो फ़ोन में हम ये जो रोम इंस्टॉल कर रहे हैं ये वेरीफाई हो चुकी है, और जो कि ऑफिशियल अपडेट है। हम इसको रीबूट करेंगे और ये हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होने लगेगी। दोस्तों, इस अपडेट को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही हमारे फ़ोन का कोई भी डाटा डिलीट होगा। तो आप इसको बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल कर सकते हैं मैन्युअली। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है अपडेट होने लगा है, अपडेट MIUI। यहाँ लिखा हुआ है डोंट टर्न ऑफ योर डिवाइस। दोस्तों, अपडेट करते समय कभी भी हमें अपने फ़ोन को ऑफ़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारा फ़ोन डैमेज हो सकता है। चलिए दोस्तों, करते हैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में ताकि हमारी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो सके। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो MIUI 12 0.2 का जो अपडेट था सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए जानेंगे दोस्तों इसके सभी फीचर्स के बारे में और देखेंगे हमारे जो फ़ोन में चार्जिंग प्रॉब्लम हमें आने लगी थी क्या वो सॉल्व हुई है या नहीं। दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो पिछली बार अपडेट आया था उस अपडेट को करने के बाद इस फ़ोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आने लगी थी। देखेंगे हमें इस अपडेट को करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं अपडेट MIUI सक्सेसफुली। सेटिंग में देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो फ़ोन में MIUI 12 0.2 वर्जन हो चुका है।
ये देख सकते हैं, और हमें देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी बैच लेवल जो है 1 जनवरी 2021 का हो चुका है इसमें। चलिए और हम इसमें कुछ और सेटिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले में हमें यहाँ लाइट मोड एंड डार्क मोड थीम का यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ कंट्रोल्स, नोटिफिकेशन, शो कनेक्शन स्पीड, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमें शो कनेक्शन स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी दोस्तों रोम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ होने लगा, चलने लगा है हमारा फ़ोन। चलिए करते हैं चार्जिंग टेस्ट। अभी दोस्तों हमारे जो फ़ोन में 83% बैटरी है, देखेंगे दोस्तों हमें इसमें कितना फ़र्क मिला अपडेट करने के बाद। यहाँ देख सकते हैं 80% बैटरी है और यहाँ क्विक चार्ज का और लोगों भी शो होने लगा है दोस्तों। मैंने इस फ़ोन को 10:40 पे चार्ज पर लगाया है, करेंगे इसको हम 5 मिनट तक चार्ज और करेंगे थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में। दोस्तों मैंने स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम से तंग आके इससे पहले अपना जो चार्जर है उसको भी चेंज करके देख लिया और इसकी जो चार्जिंग केबल है हमने उसको भी बदल के देख लिया, लेकिन हमारी जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई। इसलिए दोस्तों ये जो अपडेट आया है MIUI 12.0.2, इसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कब ये अपडेट आए और मैं इसको इंस्टॉल करके देखूं कि हमारी जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हुई है कि नहीं। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमने इस फ़ोन को 18 वाट के फास्ट चार्जर से 5 मिनट तक चार्ज किया है और ये सिर्फ 3% ही चार्ज हुआ है, यानी कि दोस्तों हमारी जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई है। दोस्तों अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम इस फ़ोन को सर्विस सेंटर ले जाएं, वहां दोस्तों इस फ़ोन में इसका जो सॉफ्टवेयर है दोबारा से डाला जाएगा और दोस्तों ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो हो सकता है इसका जो चार्जिंग वाला जैक है या पूरा PCB चेंज करना पड़ जाए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।